कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर कोविड का टीकाकरण करा रही है। बुधवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 62 बूथों पर टीकाकरण कराया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर के 6083 तथा 45 साल के ऊपर के 9031 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। टीका लगवाने को लेकर जिला अस्पताल में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जिला महिला अस्पताल में 45 साल के ऊपर के लोगों को कोविशील्ड और संक्रमण वार्ड में कोवैक्सीन लगाया गया। इसके 18 साल के ऊपर वालों को टीकाकरण जिला अस्पताल के एमआरआई विभाग में किया जा रहा है। टीका लगवाने आए लोगों ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोरोना को मात देने में वैक्सीन काफी लाभदायक नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग लाइन लगाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिससे भविष्य में सुरक्षित रहें। इस दौरान वैक्सीनेशन कर रही नर्सों ने कहा कि लोग काफी उत्साह से टीका लगवा रहे हैं और हम लोग भी सुरक्षित रहते हुए टीकाकरण कर रहे हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से अपील किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे जिले को कोरोना मुक्त कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण कराने वाले लोगों, स्टाफ, नर्स और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, मैं विशाल कुमार चौधरी, ये गोरखनाथ। कब रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? रजिस्ट्रेशन सर हो गया 3 दिन। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। कैसा था? हाँ ठीक है, बढ़िया। जनता से क्या जनता से कहना चाहेंगे कि देखिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप टीकाकरण जरूर करवाएं, ठीक है ना। इससे डरे नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी लें और लगवाएं टीका, ठीक है, जिससे आप अपने और अपने पूरे परिवार की सेफ्टी कर सकते हैं। प्रीति शर्मा, हम लोग गोरखनाथ से। रजिस्ट्रेशन हम लोग का परसों 17 तारीख को हुआ था। टीका लगाया क्या? क्या फील कर रहे हैं? अच्छा। और बाकी लोगों को क्या? सबका ठीक है, बाकी लोगों को क्या कहना चाहिए? लगवा लें, अच्छा ही है। मेरा नाम आभा सिंह है, गीता वाटिका के पास से। रजिस्ट्रेशन कब कराया था? रजिस्ट्रेशन कराया था, हो गया 17 दिन, मतलब इसी वीक में। टीका लगा तो क्या फील कर रहे हैं? क्या फील कर रहे हैं? सिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा लगेगा कि हाँ वैक्सीनेशन। क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मास्क भी जरूरी है। और मास्क भी जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, अपने आप को सेफ्टी रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, घर से बाहर तब बहुत ज़रूरी हो तो ही निकले। मेरा नाम प्रिंस सिंह है सर, मैं भी गीता वाटिका से आया हूँ। सर तुमने कब आप रजिस्ट्रेशन कराया? 14 तारीख को मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था और मुझे यहाँ पे मिला मेरे डिस्ट्रिक्ट में, और मैं यहाँ पे वैक्सीनेशन करा लिया हूँ अभी। सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, और दूसरी चीज़ ये है कि किसी के बहकावे में ना आए वैक्सीन से रिलेटेड। वैक्सीन सही है और इसका टाइम से अगर अपना लगवा लेंगे तो वो ज़्यादा सही है और उसमें सेफ्टी है उनको। मेरा अनीता पालना, यहाँ पे सारी सुविधा है, मतलब सैनिटाइजर की व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है। किस तरह के लोग आ रहे हैं? कितने सेफ्टी के साथ आ रहे हैं? कितने से हर तरह के लोग आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, स्वस्थ ही व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए।
आज जो है 63 केंद्रों पर 63 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है, जिसमें से 34 केंद्रों पर जो है हमारे 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण चल रहा है, बाकी पर 45 प्लस के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। कल दो दिन तीन दिन से हम लोग 10,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन कर रहे हैं और हम लोग प्रदेश में लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर हैं टीकाकरण के लिए। जनता से क्या अपील है? जनता से हमें अपील है कि कोरोना का की मरीजों की संख्या घट रही है, उसमें आप लोगों का बिल्कुल सहयोग है, आप लोग इसी तरह से सहयोग देते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर पे कहीं भी जाएं तो हर एक घंटे दो घंटे में अपना हाथ साफ करें, जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके और हम जिले को कोरोना से मुक्ति करा सकें।